हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की वैसे आपको टॉपिक पता चल ही गया होगा क्या क्या बताने वाला हूँ वीडियो में आपको। फ्रेंड्स, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आज मैं एक्सेल की शीट को प्रोटेक्ट करना बताऊँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम यही सीखेंगे कि एक्सेल की शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में विंडो बटन पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ से एक्सेल लिख के खोल सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको। और फ्रेंड्स, एक तरीका और है एक्सेल खोलने का। अपने कीबोर्ड से आपको विंडो आर का बटन प्रेस करना है। इसमें आप रन कमांड में एक्सेल लिख दीजिए, तो एंटर मारते ही फ्रेंड्स आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि फ्रेंड्स, हमारी कुछ सीट इंपॉर्टेंट होती है, हम किसी को दिखाना नहीं चाहते या कोई छेड़खानी ना कर दे सीट में, इसलिए हम उसके लिए प्रोटेक्ट करते हैं, सीट को लॉक करते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी कोई सीट ले लेता हूँ, मैं अपने इसमें पहले से ही ऑलरेडी जो सेव है सीट उसको मैं ले लेता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अपनी सीट ओपन कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई इसके ऊपर और कोई वर्क ना कर पाए, तो इसके लिए मैं रिव्यू मेन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इसमें एक्सेल के अंदर ही आपका प्रोटेक्ट सीट के अंदर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपको सबसे पहले पासवर्ड डालना है जो आप डालना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि पासवर्ड आप भूल ना जाएँ, जितना मर्जी बड़ा पासवर्ड डाल सकते हैं इसमें। अब मेरी सीट फ्रेंड्स प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब जैसे मैं कुछ टाइप करूँगा तो यहाँ कुछ भी टाइप नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। अगर मैं इसको काटना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, तो ये कटेगा भी नहीं। और फ्रेंड्स, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अब हमारी सीट जो है वो शो कर रही है कि हमने इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं। बहुत से लोगों का मेरे से सवाल था कि सर, ये जो हमारी सीट प्रोटेक्ट तो हो जाती है, पर हमें क्या होता है कि हमारी सीट जो है वो ओपन तो हो रही है, पर इसके ऊपर मैंने कि हमारा जो वर्क है वो सब दिखाई दे रहा है। वर्क हो तो नहीं रहा, कोई काट नहीं सकता, अच्छी बात है, पर हमको ये वर्क भी नहीं दिखाना कि हमने क्या वर्क किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप कंट्रोल एस जैसे ही करेंगे, आप दबाएंगे, तो उसमें आपको सबसे पहले इसमें एक सेटिंग करनी होती है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें टूल्स का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, आप इसको क्लिक करना। इसमें यहाँ पे एक जनरल ऑप्शन का सेटिंग ऑप्शन दिया गया है, आपको जनरल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और इसमें यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, ओपन टू पासवर्ड, जो मर्जी आप पासवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। फ्रेंड, ध्यान रखना कि आप भूल ना जाए पासवर्ड को, नहीं तो आपको सीट डिलीट भी करनी पड़ सकती है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया अपना, और अब मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ ऐसे दिखाने के लिए। तो नाम आप यहाँ से रीनेम भी चेंज कर सकते हैं अपना, और अब मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं जो कंट्रोल एन करता हूँ अगर, तो अगर मैं उसके बाद सीट अपनी ओपन करूँगा तो वो ओपन नहीं होगी फ्रेंड्स, अभी ये सीट ओपन नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप एक्सेल काट दीजिए एक बार। एक्सेल को काटने के बाद आप फिर दोबारा एक्सेल को ओपन कीजिए, और उसके बाद आप अपनी सीट को खोलिए। उसके बाद फ्रेंड्स लॉक मांगेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप जब लॉक डालेंगे, दोबारा लॉक डालेंगे, उसके बाद ही आपकी सीट ओपन होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैसा लगा आपको, हमें बताइए ज़रूर, हमें लाइक करें, कमेंट करें, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।